दीजिए करंट अफेयर चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में नवाज शरीफ की बीमारी को लेकर शरीफ ख़ानदान में कौन से मजाक कौन से शुरू कर रखा है। शरीफ ख़ानदान की जानिब से कभी कुछ तो कभी कुछ बातें सामने आती हैं। लंदन जाने से पहले नवाज शरीफ की बीमारी की पल पल की खबर मीडिया को दी जाती थी। मरीम नवाज शरीफ दोनों नाम हुसैन नवाज उसको तबीयत की खराबी मुतलिक ट्वीट करते थे, बल्कि मियां साहब की मेडिकल रिपोर्ट भी मीडिया पर शेयर करते थे। लेकिन लंदन पहुंचने के बाद शरीफ ख़ानदान ने ऐलान किया कि अब नवाज शरीफ की बीमारी से मुतलिक मीडिया को आगाह नहीं किया जाएगा। बल्कि हुसैन नवाज ने यहाँ तक कह दिया कि नवाज शरीफ की बीमारी उनके इलाज को खुफिया रखने के लिए मीडिया हमारे साथ तआवुन करे। लेकिन जैसे ही नवाज शरीफ के लंदन में क़याम के दिन काम होते जा रहे हैं, साथ ही साथ शरीफ ख़ानदान ने एक बार फिर से मीडिया को बेवकूफ़ समझना शुरू कर दिया है। हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ को 4 हफ़्तों के लिए लंदन में क़याम की इजाज़त दी गई थी। लंदन में क़याम की मुदत ख़त्म होते कई बार फिर से डॉक्टर अदनान मीडिया को नवाज शरीफ की बीमारी से मुतल्लिक तफ़सीलात बताकर माहौल बनाने लग गए। एक बार फिर मीडिया शोर मचाए कि नवाज शरीफ अलील हैं और मुस्लिम के कायद को लंदन में मजीद क़याम की इजाज़त दे। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और डॉक्टर अदनान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मियाँ अदनान ने सेहत की प्रेस को कहा कि अदियात के ज़रिए नवाज शरीफ के प्लेटलेट काउंट को ख़ास लेवल पर रखा जा रहा है। डॉक्टर अदनान का कहना था कि नवाज शरीफ की मर्ज़ की मज़ीद तशखीश की जा रही है, जबकि उनका रेगुलर फॉलोअप भी जारी है जिसमें खून के टेस्ट भी शामिल हैं। नवाज शरीफ के राइट एक्सिला में नोड्स हैं जो बड़े हो चुके हैं, जबकि कार्डियोलॉजिस्ट की टीम भी नवाज शरीफ का मुआयना कर रही है। डॉक्टर अदनान ने बताया कि लाहौर में नवाज शरीफ को हार्ट अटैक हुआ था, उसका एंजियोग्राम और एंजियोप्लास्टी PCI किया जाएगा। नवाज शरीफ के दिमाग को खून मुंतकिल करने व शरीयन के इलाज के लिए वेस्कुलर सर्जन की खिदमत ली जा रही है। डॉक्टर अदनान का कहना है कि नवाज शरीफ के दिमाग की शरीयन की सर्जरी की जाएगी या स्टंट डाला जाएगा, जबकि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लोग के कायद नवाज शरीफ की बिगड़ती सेहत की वजूहत जानने के लिए डॉक्टर की तजवीज़ पर उनका PET स्कैन किया गया। पॉजिटोग्राफी इमेजिंग टेस्ट है जिसके ज़रिए डॉक्टर बीमारी की तशखीश के लिए मरीज़ के जिस्म का 3D स्कैन करते हैं। स्कैन में रेडियो एक्टिव ट्रेसर पर मबनी खसूसी डाई इस्तेमाल की जाती है, जिससे मरीज़ के जिस्म में सांस या इंजेक्शन के ज़रिए दाखिल किया जाता है। खून के बहाव, ऑक्सीजन की मकदार, अज़ा या टिश्यूज़ की कारकर्दगी जानने के लिए PET स्कैन की इजाज़त भी दे सकते हैं। ताहम PET स्कैन अमूमन कैंसर की तशखीस के लिए किया जाता है, जबकि डॉक्टर जिस्म के टिश्यूज़ में सूजिश के बाद मालूम हासिल करने के लिए भी तजवीज़ करते हैं। आप दिल तो कम रह गए हैं, देखना है नवाज शरीफ को पाकिस्तान आते हैं या कोई और मेडिकल रिपोर्ट पाकिस्तान भेज देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपनी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय अदा करना मत भूलिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।